हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अंशुमान फार्मेसी क्लासेज में। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ एल्कोलाइड, जो कि है दोस्तों ER 2013 टी दोस्तों फार्माकोग्नोसी का दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस PCI का दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों लोग वीडियो बनाए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्कोलाइड क्या होता है दोस्तों, आप लोग कुछ अनुमान लगा ही रहे होंगे अल्कोलाइड हमारा होता क्या है। जैसा कि आप लोग अनुमान लगाए, अल्कोलाइड हमारा एक प्रकार का बेसिक होता है। तो हाँ ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अल्कोलाइड क्या होता है दोस्तों। दे कैन बी डिफाइंड एज बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन विच आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एल्कोलाइड होता है ये बेसिक क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है दोस्तों, जो कि कहाँ से हमको मिलता है दोस्तों, प्लांट से मिलता है। इसका फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो में कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आप लोग को दोस्तों मैं हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। केमिकली एट लीस्ट वन नाइट्रोजिनस एटम इज प्रेजेंट इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो कि दोस्तों केमिकली है, जो एटलीस्ट वन नाइट्रोजिनस एटम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एक नाइट्रोजिनस एटम प्रेजेंट होता है, एक साइक्लिक मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। दे आर जनरली ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब दोस्तों जो हमारा एल्कोलाइड है ये हमें कहाँ से ऑब्टेंड, कहाँ से हमें प्राप्त होता है दोस्तों, ये हमारा प्लांट से होता है, एनिमल से होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को कन्फर्म हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसका देखते हैं हम लोग अक्रेंस देखते हैं ये हमको मिलता कहाँ से है दोस्तों। अकर इन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से मिलता है दोस्तों हमें प्राप्त होता है, सूडोमोनास। ठीक है दोस्तों, एंड रियरली इन फंगी, और फंगी जो दोस्तों हमको मिलता है इसको, आप लोग नाम जो पढ़ पाए ठीक न पढ़िए, नहीं तो इसमें सीधे से आके याद कर लीजिए मशरूम। ठीक है दोस्तों, मशरूम से हमें फंगी मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रियरली अकर इन लोअर, ये हमारे लोअर प्लांट में प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं हमें। रियली एनी प्लांट प्रेजेंट इन वन टाइप ऑफ एल्कोलाइड, जो कि दोस्तों ये हमारा एल्कोलाइड होता है ये एक प्लांट में एक ही प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारा एक कोई प्लांट हो गया उसमें एक ही प्रकार का एल्कोलाइड प्रेजेंट होगा दोस्तों, बहुत रेयर केस में दोस्तों टू टाइप का पाया जा सकता है। चलिए दोस्तों लोग डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखते हैं। एल्कोलाइड अकर इन ऑल प्लांट बट आर यूजुअली लोकलाइज्ड इन वन ऑर्गन द बार्क। ठीक दोस्तों, ये एल्कोलाइड होता है ये हमारे प्लांट के आल आल प्लांट में पाया जाता है, बट आज जो लोकलाइज जो होती होता है उसके एग्जांपल ये दिया गया दोस्तों बार्क में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं आल पार्ट, उसी का है दोस्तों आल पार्ट एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हमको मिलता है आल पार्ट, कहाँ होता है आल पार्ट, किसके धतूरा के आल पार्ट में मिलता है हमें एल्कोलाइड, बार के सिंकोना, सिंकोना के बार में मिलता है दोस्तों, नेक्स वमका के सीड में मिलता है दोस्तों, और एकोनाइट के रूट में मिलता है दोस्तों, और जो फ्रूट होता है ब्लैक पीपर उसमें मिलता है, तंबाकू के लीव में मिलता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो एक है, जो कौन सा टेस्ट है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल सा है, आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 से 3 ml क्या लेंगे दोस्तों, 2 से 3 हम लोग एल्कोलाइड का सोलूशन लेंगे जो हमें एक्सट्रैक्ट करा हुआ मिल जाता है, आप लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल किए होंगे फार्माकोग्नोसी में दोस्तों। उसके बाद हमको फ्यू ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप लेके ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट लेना है उसे, वो है हमारा जो कि पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोलूशन है दोस्तों वो, और जो जैसे हम अपने उसमें टेस्ट ट्यूब में दोस्तों डालेंगे वैसे ही हमारा ये ऑरेंज ब्राउन प्रिसिपिटेट बना लेगा दोस्तों। एकदम सिंपल सा है कि 2 से 3 ड्रॉप हम एल्कोलाइड लिए, उसके बाद ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डालें, फ्यू ड्रॉप, उसके बाद ये हमारा क्या ऑरेंज ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं मेयर टेस्ट, इसमें होता है मेयर टेस्ट में 2 से 3 ml हम एल्कोलाइड सॉल्यूशन लेंगे अपने टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद दोस्तों हमें हम मेयर रिएजेंट डालेंगे, मेयर रिएजेंट का क्या नाम दोस्तों, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, इसको आप पेपर में नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा दोस्तों,
ये हमारा क्या बना लेगा, वाइट ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, मेयर में क्या होगा, 2 से 3 हम एल्कोलाइड लेंगे, उसके बाद हम फ्यू ड्रॉप अपना रिएजेंट लेंगे, उसके बाद हमारा ये वाइट ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों इसमें होता है एक हाइगर टेस्ट होता है, इसमें 2 से 3 ml एल्कोलाइड सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद फ्यू ड्रॉप हम लेंगे, हाइगर रिएजेंट लेंगे दोस्तों, फ्यू ड्रॉप जो कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा पिक्रिक एसिड का दोस्तों। उसके बाद इसमें जैसे ही हम एल्कोलाइड 2 से 3 ml लेंगे अपने टेस्ट ट्यूब में, अपना हम हाइगर रिएजेंट डालेंगे तो हमारा येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा हाइगर टेस्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं वैगनार टेस्ट। एक है दोस्तों हमारा लास्ट, वैगनार टेस्ट में क्या होता है, वैगनार टेस्ट से बोलते हैं दोस्तों, आप लोग 2 से 3 ml एल्कोलाइड सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद फ्यू ड्रॉप हम वैगनार रिएजेंट लेंगे, उसके बाद वैगनार रिएजेंट हमारा क्या होता है, आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है दोस्तों, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है दोस्तों, जो कि जैसे हम इसको ऐड करेंगे हम अपने एल्कोलाइड में, ये हमारा रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म कर लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन एंड थेरेप्टिक यूज देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है। इसमें कोडीन में क्या होता है दोस्तों, एनाल्जेसिक होता है, एंटी टिश्यू होता है दोस्तों। मॉर्फिन में क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। क्यूनिन में एंटी मलेरियल होता है, एंटी पायरेटिक होता है। रिजरपिन में क्या होता है, एंटी हाइपरटेंशन होता है दोस्तों। क्यूनिडीन में क्या होता है दोस्तों, एंटी अराजमिक होता है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा एंटी अराजमिक क्या होता है, राजमिक एंटी अराजमिक, आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों, एंटी मलेरियल भी पढ़े होंगे, ऐसे में भी हमारा 5वां चैप्टर में भी है ये सब हमारा है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, ताकि आप लोग को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।